हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। लास्ट ईयर मेरा 70-75% हेयर लॉस हुआ था। ऑलमोस्ट लाइक नवंबर में मेरे जो बालों की सिचुएशन वो इस तरीके की थी। मैं अपनी फ्रेंड की वेडिंग पे भी गई थी जिसका मैंने व्लॉग डाला था मेरे सुमन सनशाइन सीक्रेट्स पे। उसके वीडियो के नीचे भी मेरे पास काफ़ी कमेंट्स थे कि सुमन तुम्हारा हेयर लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। यस, मेरा काफ़ी मैसिव हेयर लॉस हुआ था, बट उसका बाद मैंने अपना हेयर फॉल का एंड हेयर रीग्रोथ का जर्नी स्टार्ट किया था नवंबर और दिसंबर में। एंड टचवुड, आज चल रहा है अगस्त एंड मेरा हेयर फॉल 99.9% माइनस में है एंड मेरा जो स्कैल्प है वो भी बिल्कुल विजिबल नहीं है। अभी उस समय बहुत ज़्यादा वाइट विजिबल था एंड मेरा रीग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ है। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल, हेयर लॉस और हेयर थिनिंग के बारे में एंड उसके रीजंस, उसको क्योर कैसे करना है, कैसे बेबी स्टेप ले लेके आप अपने हेयर फॉल बिल्कुल माइनस बिल्कुल बंद कर सकते हो और किस तरीके से आपके बाल रीग्रोथ होंगे। एक होता है कि हम अपने बालों पे क्या लगा रहे हैं, आपकी स्कैल्प कैसा है। एक होता है हम डाइट से किस तरीके से इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे दिस वीडियो के अंदर हम डाइट पे बात करेंगे कि क्यों आपका हेयर फॉल हो रहा है, किस तरीके का आपका हेयर फॉल है और रीग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, और आपकी डाइट का क्या क्या चीज़ आप ऐड कर सकते हो जिसकी हेल्प से आपके जो बाल है वो दोबारा रीग्रो हो जाए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हेयर फॉल, हेयर लॉस, हेयर थिनिंग, ये तीन चीज़ें बहुत ही डिफरेंट हैं। हेयर फॉल जो पूरा रूट से बाल निकलता है, बिल्कुल रूट से आपके बाल निकल रहा है, वो हेयर फॉल है। बिल्कुल रूट से अच्छा खासा आपका बाल निकल रहा है। हेयर लॉस अगर आपके ब्रेकेज है और बीच से बाल टूट रहा है, और हमारे हेयर थिनिंग है कि बाल बहुत ज़्यादा क्वालिटी में पतला हो गया है, बिल्कुल पतले पतले बाल हैं और बाल अपनी जो एक स्ट्रेंथ है वो लूज़ कर चुके हैं। 99.9% जो हेयर फॉल के रीजंस निकलते हैं वो होते हैं बहुत ज़्यादा आपकी डाइट का ख़राब होना एंड आपका बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस होना, ओवर थिंक करना, या फिर आपका बहुत ज़्यादा स्लीप में डिस्टर्ब होना और बहुत ज़्यादा लाइफ में अप एंड डाउन देखना, और उसकी इक्वल टू रिजल्ट आता है हेयर फॉल। नाउ मैंने पिछले 6-7 ईयर्स से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल अप इस तरीके का मेरा ज़िगज़ैग चला है एंड लास्ट ईयर मेरे को बहुत मैसिव स्ट्रेस आया था, उसकी वजह से मेरा हेयर लॉस हुआ था, बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हुआ था। देन एक कहते हैं ना रेड अलर्ट एंड रेड लाइट आया एंड देन आपको स्टैंड अप करना पड़ता है। आपका जब हेयर फॉल मैसिव हो रहा है उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न आता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, जितने भी मोटे लोग हैं, 100+ हैं, वो बहुत ज़्यादा खा भी रहे हैं स्टिल उनका हेयर फॉल हो रहा है। उसका रीज़न क्या होता है, वो कभी भी जाते हैं डाइट पर, 5-10 दिन 1-2 महीने करा, फिर वो डाइट छोड़ के वापस मोटे होते हैं, फिर डाइट करते हैं फिर मोटे होते हैं। बॉडी खुद को संभाल नहीं पाती, हार्मोन्स बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो रहे हैं। कभी आप डाइट पे जा रहे हो, लो कार्ब डाइट, एकदम झटके में डाइट पकड़ा, फिर कभी प्रोटीन डाइट पकड़ा, फिर दोबारा से खाना पीना चालू कर दिया, तो बॉडी समझ नहीं पा रही है कि चाहते क्या हो आप बॉडी से, ना उसको लूज़ कराना चाहते हो, फैट गेन हो रहा है, दोबारा से खाना खा रहे हो। हार्मोन्स का अनबैलेंस होना और डाइट का बीच बीच में गैप करना एक हेयर फॉल का मैसिव एक सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है। सेकेंड आता है स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, या फिर किसी भी टाइप की स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग एंड एंजाइटी से रिलेटेड टैबलेट लेने से भी आपका हेयर फॉल होगा। नंबर थर्ड आता है आपकी डाइट में प्रॉपर जो मिनरल्स हैं, विटामिंस हैं, और आपके जो भी आप डाइट खा रहे हो वो प्रोटीन रिच नहीं है, आपकी डाइट में दालें नहीं हैं, आपकी डाइट में प्रॉपरली आप विटामिंस नहीं ऐड कर रहे हो, उसकी वजह से आपका मैसिव हेयर फॉल होगा ही होगा। बहुत सारे लोग होते हैं रात को सोचते हैं डाइट करेंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग सब कुछ छोड़ छाड़ के आप डाइट पे आ जाते हो, उसकी वजह से 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपके केमिकल ट्रीटमेंट। आजकल मार्केट में बोटॉक्स, आपका केराटिन, रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, जितने भी केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं उस समय आप कराओगे, 2 महीने तक आपके बाल बहुत प्यारे लगेंगे, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। द मोमेंट 6 महीने बाद, 5 महीने बाद वो निकलना चालू हो रहा है केमिकल का ट्रीटमेंट, आपके बाल गिरते चले जाएंगे क्योंकि वो ओरिजिनल फॉर्म में आ रहे हैं और वो बिल्कुल ब्रेक और डैमेज हो चुके हैं, वो बिल्कुल निकलेगा और इतना भर भर के बाल निकलेगा। अगर आप केमिकल ट्रीटमेंट करा रहे हो उसको ऑन द स्पॉट बिल्कुल रोक दो। नेक्स्ट सिचुएशन आती है, आप किसी भी टाइप का कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, बहुत हैवी आपने स्टेरॉइड्स लिए हैं, या फिर आपका PCOD का बहुत मैसिव इश्यूज़, आपको पीरियड्स बहुत लंबे समय से नहीं आए हैं, आपका थायराइड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा है, आपका HbA1c बहुत हाई आया हुआ है, आपका विटामिन D3, आयरन एंड फेरेटिन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम है, आपका हेयर फॉल होगा ही होगा। इसका क्योर क्या है, इसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं और मैंने किस तरीके से अपनी चीज़ें ऐड करी है जो मेरा जो हेयर फॉल है वो नाम मात्र जितना है आज, और बहुत सारा मेरा बाल जो है वो रीग्रोथ हुआ है एंड बहुत सारे बेबी हेयर्स आए हैं, मेरे स्कैल्प जो है वो विजिबल अब नहीं है एंड मेरे जो बेबी हेयर है वो बहुत अच्छे से आए हैं एंड बिल्कुल ट्रस्ट मी
बहुत आराम से मेरे जो बाल हैं वो मैंने बिल्कुल ठीक करे हैं. सो नाउ पॉइंट इज कि आपको किस तरीके से इसको क्योर करना है. सबसे पहले गो फॉर अ ब्लड टेस्ट. एवरी 3 मंथ्स में आप अपने ब्लड टेस्ट कराओ. आपको ब्लड टेस्ट कौन कौन से कराने हैं? HbA1c, TSH, आपका थायराइड का पूरा प्रोफाइल चेक कराना है आपने. वाइटामिन D3, B12, आयरन, फेरेटिन एंड आपका KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इन सारे के सारे टेस्ट आप कराएंगे, आप देखेंगे आपकी बॉडी कहाँ पर स्टैंड करती है, कितने लेवल्स हैं. इन केस ऑफ कोई भी डेफिशिएंसी है, मल्टी वाइटामिन्स को उठाने की जगह आप उस पर्टिकुलर जो आपका वाइटामिन D3 कम है या आयरन कम है, आप उसके सप्लीमेंट स्टार्ट करेंगे. सेकेंड पॉइंट आता है आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए. आपकी डाइट में बीटरूट एंड आंवले का जूस एवरी मॉर्निंग होना चाहिए. रेड जूस बिल्कुल आप लेना है, बिल्कुल बिल्कुल आपने डेली बेसिस पे लेना है बीटरूट एंड आंवले का जूस. उसके बीच में आप अपनी तरफ से मिक्स एंड मैच 10 चीज़ें और कर सकते हैं, बट बीटरूट एंड आंवले का जूस आपको लेना ही लेना है. नेक्स्ट सिचुएशन आएगी यहाँ पर सीड्स. आपको मैंने वीडियो पे बहुत सारे सीड्स के लड्डू बनाए हुए हैं, बहुत सारे सीड्स के लड्डू हैं, फ्लैक्स सीड्स. सो डेफिनेटली आप अपनी डाइट में ऐड करो, बहुत सारा फ्लैक्स सीड आप अपनी डाइट में ऐड करो, उसके लड्डू बनाकर ऐड करो, उसको च्यू करके खा लो, उसको सैलेड के ऊपर स्प्रिंकल करके खा लो, उसको सब्जी में डाल के 1 चम्मच खाओ, बट 1 स्पून फ्लैक्स सीड आपकी पूरे दिन की डाइट में जाना ही जाना चाहिए. नेक्स्ट आपकी डाइट में जाने चाहिए दाल, दाल, छोला, राजमा, चना. ये 3 चीज़ें आपकी डाइट में डेफिनेटली ऐड होनी चाहिए. अंडे अगर आप नॉन वेज खा सकते हैं तो अंडे एंड मीट तो डेफिनेटली है, बट जो जो लोग वेजिटेरियन हैं वो लोग ब्रोकली का इंटेक बहुत अच्छे से करें, मशरूम बहुत ज़्यादा खाएं आप अपनी डाइट के अंदर. आप अपनी डाइट के अंदर अपनी दालों का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा दें. लंच आप मेक श्योर रखें कि आपका छोला, राजमा, लोबिया, चना और दालों से रिलेटेड एक आपके पास डिश होनी ही होनी चाहिए पूरा बाउल भर के. एंड उसके अलावा आपकी डाइट के अंदर खूब सारा पालक भी जाना चाहिए. अभी मॉनसून चल रहा है बट आने वाले टाइम में पालक अभी सीजन में आ जाएगा. पालक साग, बथुआ आपकी डाइट में डेली बेसिस पे 1 कटोरी ग्रीन वेजीज तो होनी ही होनी चाहिए. नेक्स्ट मेक श्योर आपकी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन हो, जिसकी हेल्प से आपके बाल का जो झड़ना है वो बंद होगा और आपके बालों को स्ट्रेंथ भी मिलेगी. अनदर पार्ट, अगर आप किसी भी टाइप का कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट कराया हुआ है या कराने की सोच भी रहे हो, आप उसको ऑन द स्पॉट रोक दो, बिल्कुल आप उसको स्टॉप कर दो. मैं मानती हूँ उसके बाद मेरे बाल बहुत वियर्ड दिख रहे थे, कभी कभी बहुत ज़्यादा अजीब से दिखने लग जाते हैं, आपके पुराने रिबॉन्ड खुलेंगे तो अजीब से कर्ल्स आने लग जाते हैं, बट आप घर पे ही उसको हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे लगा के आप मैनेज कर सकते हो ताकि वो प्रेजेंटेबल लगेगा. बट अगर आप प्रॉपरली केमिकल ट्रीटमेंट पे जाओगे, अगर एक बार आपका पूरा बाल चला गया, आप PRP कराओ, आप 10 टाइप की चीज़ें और कराओ, वो सब कुछ ना के बराबर है, निल है. वो वापस बाल रीग्रो होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. मेरे पास मेम्बर्स हैं, मेरे पास जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत तरीक़ों से अपना हेयर लॉस करके आए हुए हैं. नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर आप किसी भी टाइप की वेट लॉस की डाइट पे हो और आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप ऑन द स्पॉट 20 से 30 दिन के लिए डाइट को रोक दो, मेंटेनेंस पे आ जाओ, अपने बालों का ध्यान रखो, आप आराम से खाओ, वेट को मेंटेन करो. घर के खाने पीने से किसी का भी वेट जो है वो गेन नहीं होता, ठीक है आंटी, अनलेस आप अपनी लाइफस्टाइल बहुत पुअर कर रहे हो. आपका वेट मेंटेन हो जाएगा, आप अपने हेयर फॉल को रिड्यूस करो, रोको और उसके बाद जाके आप अपने वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट करो. मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनका कोई ना कोई XYZ रीजंस की वजह से हेयर फॉल होता है, बिल्कुल होता है, बट हम क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ, उनको रोक देती हूँ डाइट से एंड उनको मेंटेनेंस पे डालती हूँ 15 से 20 दिन के लिए कि रुक जाओ और अपने बालों की केयर करो, उसके बाद वी कैन स्टार्ट. एक बार तो ऐसा हुआ था, एक पर्सन है जो कि बहुत अच्छा वेट लॉस कर रहे थे, 100 kgs पे थे, मैंने उनको 1 साल तक के लिए वेट मेंटेनेंस पे रखा है कि आप इतने पे रहो और आपका वेट जो है वो इतने पे ही मेंटेन रखो, बट एटलीस्ट आप अपने बालों का पहले ध्यान रखो, बाल बिल्कुल जीरो हेयर फॉल करना पहले. अब सेकेंड पॉइंट आता है यहाँ पे स्लीप. अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ओवरथिंकर हो लाइक मी, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, कुछ चीज़ें होती हैं हम स्ट्रेस लेते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं हमारे किस्मत में हमको पकड़ के स्ट्रेस दिया जाता है ना, सो अगर आप किसी भी कैटेगरी में लाई डाउन करते हैं, मेक श्योर आप अपने मेंटल हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान रखें. एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, ओवरईटिंग, स्ट्रेस में जाना, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा ही आप अपने आप को किसी नेक्स्ट जोन में लेके जा रहे हो स्ट्रेस से, आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा हेयर लॉस होगा. ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखकर चलनी है अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है. मैं बनाने जा रही हूँ किचन में एक बहुत ही अच्छा स्नैक जो कि मैं यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे या बेसिकली हर अल्टरनेट वीक पे फॉर हेयर फॉल के लिए, फ्लैक्स सीड और बहुत सारी सीड्स का मिक्स करके लड्डू, एंड वो बहुत
यम्मी रेसिपी, आप इसको मिड स्नैक के टाइम पे खा सकते हो, इवनिंग स्नैक के टाइम पे खा सकते हो। एंड मैंने बीच में हलीम सीड्स भी अपनी डाइट में यहाँ पे वीडियो पे दिखाया था। हलीम सीड बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का, आप उसको डेफिनेटली अपनी डाइट में ऐड करो। उसको पानी सोक करके आप अपने रेड जूस में मिक्स करके भी ले सकते हैं। मेरा जो चैनल है सुमन सनशाइन सीक्रेट्स, इस पर मैं हेयर फॉल की बहुत सारी सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, व्हाट आई ईट फॉर हेयर फॉल, क्या क्या चीज़ें रेसिपीज में बना के खाती हूँ जिससे मेरा वेट भी मेंटेन रहता है, लूज भी हो जाता है 1-2 किलो, और उसके साथ साथ मेरा हेयर फॉल भी ठीक रहता है। नेक्स्ट एंड सबसे बड़ी चीज़, अगर आपका बाल अच्छा दिख रहा है, आपके बाल बचे हुए हैं, तो आप 3600 डिज़ाइन कर लेंगे। बट अगर आपका बाल उड़ गया और आपके बाल नहीं बचे, तब आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो प्लीज़ मेक श्योर आप किसी भी टाइप का कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे। हम चलते किचन में और बनाते हैं हमारे सीड्स के लड्डू। ओके, हम बना रहे हैं यहाँ पे सीड्स मिक्स लड्डू। यहाँ पे मैं लूँगी मेरा 1 चम्मच जितना फ्लेक्स सीड। नेक्स्ट इसमें मैं डालूँगी मेरे पम्पकिन सीड्स। नेक्स्ट इसमें मैं डाल रही हूँ मेरे सनफ्लावर सीड्स। नेक्स्ट 1 चम्मच जितना वाइट सेसमे। इसके अंदर मैं डालूँगी मेरे चिया सीड 1 चम्मच। इन सबको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरे ब्लैक सेसमे 1 चम्मच। और इसके अंदर हम डालेंगे हमारा 1 कटोरी जितना मखाना। इन सबको बहुत अच्छे से अब हम भूनेंगे, बहुत बहुत अच्छे से, सिम आँच पे 3 से 4 मिनट के लिए। गैस को बंद कर देंगे, इसको थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देंगे और इस सारे मिक्सचर को अच्छे से हम पीसेंगे। अभी शिफ्ट कर रहे हैं हमारे ब्लेंडर में। ओके, हमने पीस लिया है। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरा 1-2 चम्मच जितना जैगरी पाउडर। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा घी। दो बड़े चम्मच और 4 छोटे चम्मच, जैसे आपको कंफर्टेबल है। खूब अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। सो नेक्स्ट हम इसके अंदर डाल रहे हैं थोड़ा सा जैगरी मेल्ट कराया है हमने, ताकि लड्डू बन जाए हमारे। बिकॉज मेरे नेल्स हैं, संजना मेरे को हेल्प करेगी। चल संजना लड्डू बनाते बच्चा। ओके, हियर वी गो, इट्स रेडी। ओके, सो या दैट्स ऑल अबाउट द हेयर फॉल गाइज। आप सुमन सनशाइन सीक्रेट वाले चैनल पे आ जाइए। यहाँ पे मेरे ख्याल से मैं हर 3rd-4th दिन हेयर फॉल से रिलेटेड सीरीज डालेंगे, शैम्पू कंडीशनर ऑयल एंड एवरीथिंग, ताकि आपके बाल बचे रहें, हम भी ठीक हैं, आप भी ठीक हैं। सो या दैट्स इट एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टेक केयर जी, बाय बाय।